भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया है कि असम में एनआरसी के मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश से घुसपैठियों को निकालने की शुरुआत असम से की जाएगी। शाह ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि असम में रजिस्टर में प्राथमिक रूप से 40 लाख घुसपैठिए चिन्हित हो गए हैं, अब इनको मतदाता सूची से भी हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज कार्यकर्ताओं की लाखों की भीड़ मेरे आंखों के सामने खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश से घुसपैठियों को जाना चाहिए या नहीं। इस पर जनता की ओर से आवाज आई, हाँ जाना चाहिए। एनआरसी पर कांग्रेस संसद में ऐसे काव काव करने लगी जैसे उनकी नानी मर गई हो। उन्होंने कहा कि असम में सरकार बनने के बाद हमने एनआरसी लागू किया। शाह ने कहा, भाजपा के लिए देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, एनआरसी की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक राज्य हार रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एवं कांग्रेस नेताओं को तीनों राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के सपने आते हैं, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शाह ने कहा कि हाल में राहुल गांधी ने भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल बाबा, सपने देखने की कोई मनाही नहीं है, मगर किसके आधार पर इन राज्यों की जनता से वोट मांगेंगे। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब